मटन कबाब। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 केजी मटन लिए हैं। मटन को हमने अच्छे से धोकर मिक्सी के जार में ग्रेंड कर लिए हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसका कीमा बना लिए हैं। उसके बाद हम मटन में डालने के लिए यहाँ पर हमने 5 से 6 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। यहाँ पर 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, यहाँ पर बारीक कटा हुआ 1/2 कटोरी धनिया, यहाँ पर हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसी में सबको डालेंगे और डालकर मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 2 छोटे चम्मच नमक डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डालना। हम 2 छोटे चम्मच में नमक डाल रहे हैं मटन के हिसाब से, तो हाँ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम सारे मसालों को हम इसी में डाल देंगे। ये बारीक कटा हुआ धनिया है ये हम डाल देंगे, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। और देखिए यहाँ पर हमने 1 प्याज को बारीक काट के इसमें डाल देंगे। हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसे अच्छे से मिक्स करना है, हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। आज हम इसे कबाब को हम कढ़ाई में बनाएंगे बिना तेल के। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है, अब हम इसे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम कबाब बनाने के लिए। तो हम पानी से हाथों को गीला कर लेंगे हल्का, और उसके बाद हम इसका छोटा छोटा इस तरह से इतना इतना लेकर इस तरह से रोल करते हुए बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, इतना ही मीडियम में इस तरह से बनाना है। इसके बाद हम कढ़ाई में रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम सारे मटन कबाब को बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमने सारे कबाब को बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए आज हम कबाब को कढ़ाई में बना रहे हैं, तो ये हम कढ़ाई में सारे कबाब को रख दिए हैं। चलते हैं इसे गैस पर रखने। तो देखिए हम कबाब को पकाने से पहले इसमें 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। 1/2 गिलास ही पानी डालना है क्योंकि मटन और प्याज जो हम इसमें डाले हैं और मटन से भी इसमें से पानी छोड़ेगा, उसी पानी से ये अच्छे से पककर कबाब तैयार हो जाएगा। तो हम इसमें 1/2 गिलास ही पानी डालेंगे। देखिए मैंने पानी डाल दिया है,
हम इसे ढक देंगे। एक बार हम बीच में चेक कर लेते हैं, देखिए कितना पानी छोड़ दिया है और इसी पानी से ये पकेगा। तो देखिए हमारा कबाब में उबाल आने लगा है और ये अच्छे से पक रहा है। हम इसे पानी सूखने तक पकाएंगे। बीच बीच में हम एक दो बार इसे चेक कर लेंगे, नहीं तो पानी हमारा सूख जाएगा और जलने लगेगा। एक बार हम बीच में चेक कर लेते हैं, देखिए कि कबाब में उबाल आने लगा है। देखिए कैसे उबाल आ रहा है। अगर आपको लगे कि कबाब में पानी कम है तो आधा गिलास और पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा कबाब तो बहुत ही अच्छे से पक रहा है, हमें इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इतने ही पानी में ये पककर तैयार हो जाएगा। पानी सूखने तक इसे पकाएंगे। एक बार और बीच में हम चेक कर लेते हैं इसे, तो देखिए इसका पानी सूखने लगा है, बहुत ही कम हो गया सूख कर। तो हम गैस को मीडियम कर देंगे क्योंकि आराम आराम से धीरे धीरे ये पके, नहीं तो बहुत जल्द सूख जाएगा पानी इसका, तो नीचे से जलने लगेगा, इसलिए हम इसे मीडियम कर देंगे और आराम आराम से इसका पानी सूखेगा। देखिए इसका पानी सूखने लगा है, हम इसे लो फ्लेम पर कर देंगे। कबाब का पानी अच्छे से सूख गया है। इसे धीमी आंच पर हम 1 मिनट तक और रखेंगे। देखिए हम चेक कर लेते हैं, हम गैस को बंद कर देंगे। हमारा कबाब बनकर तैयार हो गया। ये अभी बहुत गर्म है, हम इसे ठंडा करेंगे। देखिए हमारा कबाब ठंडा हो गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे। करके भी देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिना तेल के बनाए हैं। बिना तेल के भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।